दुनिया में ऐसी कई खतरनाक झीलें हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ इसी तरह का ही एक खतरनाक झील उत्तरी तंजानिया में है, जिसे नेट्रान झील के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है। इस झील के आसपास कई पशु पक्षियों के पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस झील के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन विस्तार से। नेट्रान झील के दूर दराज तक कोई भी आबादी नहीं है। इस झील के आसपास पत्थर के जानवर और पक्षियों की मूर्तियां पड़ी हैं, जिसे देखकर झील के जादुई होने की बात सच भी लगती है। दरअसल इन सब के पीछे वैज्ञानिक वजह भी है। बता दें कि नेट्रान एक अल्केलाइन झील है, जहां के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। पानी में अल्केलाइन की मात्रा और अमोनिया की मात्रा एक समान है। ये सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसे इजिप्त में लोग ममी को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। यही कारण है कि यहाँ पक्षियों के शरीर सालों सुरक्षित रहते हैं। हालांकि नेट्रान झील ही दुनिया में अकेला नहीं है जिसमें खतरनाक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अफ्रीकी देश कांगो की किवू झील दुनिया के सबसे खतरनाक झीलों में से एक है। इसे विस्फोटक झील के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसके पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस मौजूद है। कहा जाता है कि इस झील के पास अगर हल्का सा भी भूकंप आ जाए तो झील में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक लेक मिशिगन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी बताया जाता है कि इस झील के पास जानलेवा गैस का बादल छा गया था, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे जीव जंतु मारे गए थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि झील के नीचे एक ज्वालामुखी है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में मिल गई होगी और गैस का स्तर बढ़ने से वहां बादल में तब्दील हो गए होंगे। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र में स्थित एक देश है डोमिनिका, जहां एक उबलती हुई झील है। इस झील के पास जाना मौत को दावत देने के समान है। दरअसल इसके पानी का तापमान 92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसकी वजह है इस झील के पास एक ज्वालामुखी का होना, जो पानी को हमेशा गर्म रखता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे प्रयास का हिस्सा बने। अच्छी जानकारियों के लिए लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को।